हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो आज हम कुछ टॉप 5 फोन्स के बारे में बात करेंगे जो कि 10,000 के अंदर आते हैं और ये सभी फोन्स अच्छे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं 5th नंबर से। तो 5th नंबर पे फ़ोन आता है रियलमी सी थ्री की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 6.5 इंचेस का HD+ रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। वह भी बात की जाए प्रोटेक्शन की तो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। बात की जाए सीपीयू की तो इसमें आपको मीडियाटेक का हेलियो G70 चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 2 GHz पर क्लॉक है और 12 नैनोमीटर प्रोसेस के साथ आता है। बात की जाए परफॉर्मेंस की तो इस चिपसेट से आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो 10,000 के अंदर। बात की जाए रैम और स्टोरेज ऑप्शंस की तो इसमें आपको 3 या 4 GB रैम ऑप्शन के साथ 32 या 64 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात की जाए रियर फेसिंग कैमरा की तो इसमें आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 12 MP का मेन कैमरा सेंसर के साथ 2 MP का पोर्ट्रेट कैमरा आता है और साथ में LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पर बात की जाए फिंगरप्रिंट सेंसर की तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है जो कि एक इसका एक ड्रॉबैक है। वहीं पर बात की जाए फ्रंट फेसिंग कैमरा की तो इसमें आपको 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें आपको एंड्रॉयड 10 के अपडेट के साथ रियलमी UI का कस्टम रॉम देखने को मिल जाएगा। बात की जाए सिम कार्ड स्लॉट की तो इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, मतलब आप एक ही टाइम पे 2 SIM कार्ड और 1 microSD कार्ड आराम से चला सकते हो। और वहीं पे बात की जाए बैटरी की तो इसमें आपको 5000 mAh की ह्यूज बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में 10 W का नॉर्मल चार्जर भी देखने को मिल जाता है। फाइनली बात की जाए प्राइसिंग की तो इसकी प्राइस 7000 से शुरू होती है और 7000 में आपको 3 GB RAM के साथ 32 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है और 8000 रुपये में आपको 4 GB RAM के साथ 64 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फोन के बारे में जो कि 4 नंबर पर आता है और इसका नाम है Realme 5i। Realme 5i की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 6.5 इंचेस का HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। वहीं पर बात की जाए प्रोटेक्शन की तो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है और ये भी एक IPS LCD डिस्प्ले है। बात की जाए CPU की तो इसमें आपको कॉलकॉम का Snapdragon 665 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 2 GHz पर क्लॉक है और 11 नैनोमीटर प्रोसेस के साथ आता है जो कि एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर माना जाता है। वहीं पर बात की जाए रैम और स्टोरेज ऑप्शंस की तो इसमें आपको 4 GB RAM के साथ 64 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और वहीं पर बात की जाए परफॉर्मेंस की तो इस फोन से आप अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं पर बात की जाए कैमरास की तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 12 MP का मेन कैमरा सेंसर के साथ 8 MP का अल्ट्रावाइड, 2 MP का पोर्ट्रेट और 2 MP का माइक्रो सेंसर आता है और साथ में LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पर बात की जाए फिंगरप्रिंट सेंसर की तो इसमें आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। बात की जाए फ्रंट फेसिंग कैमरा की तो फ्रंट में आपको इसमें 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें आपको एंड्रॉयड 9 के अपडेट के साथ कलर और इसका कस्टम रॉम भी देखने को मिल जाएगा। आगे बात की जाए सिम कार्ड स्लॉट की तो इसमें भी आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, मतलब आप एक ही टाइम पे 2 SIM कार्ड और 1 microSD कार्ड आराम से चला सकते हो। और बैटरी में इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 10 W का नॉर्मल चार्जर देखने को मिल जाता है। बात की जाए प्राइसिंग की तो इस फोन की प्राइसिंग 9000 रखी गई है और 9000 के अंदर आपको 4 GB RAM के साथ 64 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है और 9000 के अंदर ये एक आप अच्छा ऑप्शन कह सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फोन के बारे में और नेक्स्ट फोन गेमर्स के लिए है जिनको ज़्यादा गेम्स खेलना पसंद है और इसका नाम है Realme 3 Pro। Realme 3 Pro की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 6.3 इंचेस का फुल HD+ रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 19.5:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है और साथ में प्रोटेक्शन में इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। हमने जो पिछले 2 फोन देखे उसमें आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता था और इसमें आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छी बात है। आगे बात की जाए CPU की तो इसमें आपको बहुत पावरफुल कॉलकॉम का Snapdragon 710 चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 2.2 GHz पर क्लॉक है और 10 नैनोमीटर प्रोसेस के साथ आता है जो कि एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर माना जाता है। वहीं पर बात की जाए रैम और स्टोरेज ऑप्शंस की तो इसमें आपको 4 या 6 GB रैम ऑप्शन के साथ 64 या 128 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। बात की जाए परफॉर्मेंस की तो इस फोन से आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो और PUBG वगैरह गेम्स भी इसमें बहुत ही अच्छे से चल पाएंगे। आगे बात की जाए रियर कैमरास की तो इसमें आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 16 MP का मेन कैमरा सेंसर के साथ 5 MP का डेप्थ सेंसर आता है और साथ में LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। बात की जाए फिंगरप्रिंट सेंसर की तो इसमें आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। आगे बात की जाए फ्रंट फेसिंग कैमरा की तो इसमें आपको 25 MP का ह्यूज फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है और साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें आपको एंड्रॉयड 9 के अपडेट के साथ कलर और इसका कस्टम रॉम भी देखने को मिलता है।
आगे बात की जाए सिम कार्ड स्लॉट की, तो इसमें भी आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब आप एक ही टाइम पे दो सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड आराम से चला सकते हो। और वहीं पे बैटरी में इसमें आपको 4000 एमएएच की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 20 वाट फास्ट चार्जर के साथ आती है, जो कि आपकी बैटरी को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा। फाइनली बात की जाए प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइस 10,000 रखी गई है, और 10,000 के अंदर ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फ़ोन के बारे में, और नेक्स्ट फ़ोन का नाम है Realme 5S। Realme 5S की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 6.5 इंचेस का HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 20:9 के आस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। और प्रोटेक्शन में इसमें आपको Gorilla Glass 3+ का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, और ये भी एक IPS LCD डिस्प्ले है। बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको क्वालकॉम का Snapdragon 665 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 2 GHz पर क्लॉक है और 11 नैनोमीटर प्रोसेस के साथ आता है। वहीं पे बात की जाए रैम और स्टोरेज ऑप्शंस की, तो इसमें आपको 4 GB रैम के साथ 64 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, और साथ में 128 GB का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो इस फ़ोन से भी आप अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं पे बात की जाए रियर कैमरास की, तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 48 MP का मेन कैमरा सेंसर के साथ 8 MP का अल्ट्रावाइल्ड, 2 MP का पोर्ट्रेट और 2 MP का मैक्रो सेंसर आता है, और साथ में LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। बात की जाए फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इसमें आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। बात की जाए फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो इसमें आपको 13 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें आपको एंड्रॉयड 9 के अपडेट के साथ कलर और इसका कस्टम रॉम भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पे बात की जाए सिम कार्ड स्लॉट की, तो इसमें भी आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, मतलब आप एक ही टाइम पे दो सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड आराम से चला सकते हो। और बैटरी में इसमें आपको 5000 mAh की ह्यूज बैटरी के साथ 10 वाट का नॉर्मल चार्जर देखने को मिल जाता है। वहीं पे बात की जाए इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी भी प्राइस 10,000 रखी गई है, और 10,000 के अंदर ये भी एक अच्छा ऑप्शन आप कह सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फोन के बारे में, और ये एक ओवरऑल पैकेज है, तो इसका नाम है Redmi Note 8। Redmi Note 8 की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 6.3 इंचेस का फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 19:5:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। वहीं पे बात की जाए प्रोटेक्शन की, तो इसमें आपको Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आगे बात की जाए CPU की, तो इसमें आपको क्वालकॉम का Snapdragon 665 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 2 GHz पे क्लॉक है और 11 नैनोमीटर प्रोसेस के साथ आता है। वहीं पे बात की जाए रैम और स्टोरेज ऑप्शंस की, तो इसमें आपको 4 या 6 GB रैम ऑप्शन के साथ 64 या 128 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो इस फ़ोन से भी आप अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं पे बात की जाए रियर कैमरास की, तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 48 MP का मेन कैमरा सेंसर के साथ 8 MP का अल्ट्रावाइल्ड, 2 MP का पोर्ट्रेट और 2 MP का मैक्रो सेंसर आता है, और साथ में LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। इसके फ्रंट और बैक दोनों साइड में आपको Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बात की जाए फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इसमें आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वहीं पे बात की जाए फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो इसमें आपको 13 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें आपको एंड्रॉयड 9 के अपडेट के साथ MIUI का कस्टम रॉम भी देखने को मिल जाता है। आगे बात की जाए सिम कार्ड स्लॉट की, तो इसमें भी आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, और साथ में बैटरी की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 18 वाट फास्ट चार्जर के साथ आती है, जो कि आपकी बैटरी को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा। फाइनली बात की जाए प्राइसिंग की, तो इसकी भी प्राइस 10,000 रखी गई है, और 10,000 के अंदर ये एक ओवरऑल अच्छा ऑप्शन आप कह सकते हो। तो कुछ फ़ोन जो कि 10,000 के अंदर आते हैं, और ये सभी फ़ोन्स अपने प्राइस के हिसाब से आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।